गाइस, वेलकम बैक श्वेता कुजूर व्लॉग चैनल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज है होली क्रॉस दिवस, तो आप सभी को होली क्रॉस दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो आज होली क्रॉस हॉस्पिटल में होली क्रॉस दिवस मना रहे हैं, तो अभी सुबह होने वाला है प्रेयर, तो चलिए आप लोग भी प्रेयर में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रेयर में सहभागी बनिए। संस्था में हमारी धनवे ने संसार के विभिन्न देशों में
विभिन्न शहरों गाँव क्षेत्रों में अस्पतालों में स्कूलों में गरीबों बेसहारों अनाथों के उत्थान एवं अनेक प्रकार के भलाई कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर देश के सुसमाचार का प्रचार करते हुए अपने मिशन कार्य में जुड़े रहते हैं। कोलिनपुर संस्था की धर्मगर ने यीशु के पांव को ही अपना मुख्य केंद्र मानकर समर्पित जीवन त्याग तपस्या बलिदान तथा प्रार्थना में जीवन जीने के लिए प्रेरित होती है। आइए हम इस क्रूस विजय पर्व के अवसर पर संसार भर में फैली सभी कोलिनपुर के धर्मगरों को याद करते हुए प्रार्थना करें कि क्रूस ही हमारे मनोबल को बढ़ाकर हमें बल सांत्वना तथा शक्ति प्रदान करता रहे, जिससे हम क्रूस के पद पर धीरता एवं ईश्वर पर आस्था रखते हुए अपने उनकी मुक्तिदायी योजना में अपना योगदान दे सकें। आज की इस क्रूस विजय महोत्सव के शुभ अवसर पर आए आप सभी को मैं इस पुण्य बलिदान हिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए सहायता आमंत्रित करती हूँ। आज के मुख्य अनुष्ठान का फादर विलियम मुझे विवरचित से विनम अनुरोध करती हूँ कि वे इस पूजन विधि का शुभारंभ करें। सभी धर्म बहनों को शुभकामना देते हुए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद धर्म बहनों के नाम पर हमेशा बना रहे। यहाँ के सभी स्टाफ और यहाँ कार्यकर्ता सभी मिलकर के ये बलिदान चढ़ाते हैं सभी भाई बहनों की ओर से। साथ में अनुकूल अगर आप अपना जन्मदिवस मनाती हैं आज के दिन में ईश्वर ने उनको आज स्वरूप इस धरती पर भेजा, हम उनके धन्यवाद देते हैं ईश्वर को और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गलातियों को संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 6 और संख्या 14 में कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करना चाहिए, उन्हीं में हमारी मुक्ति जीवन और पुनरुत्थान है, उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार। आइए हम लोग विशेष करके दया की धर्म बहनों पूरे धर्म समाज की प्रार्थना करें। उन्होंने जो कहा समय की पुकार और ईश्वर की इच्छा, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखकर इस धर्म समाज की स्थापना हुई है। ईश्वर की जो इच्छा है और समय की जो पुकार है, समय की पुकार मतलब जो नकारात्मक परिस्थितियाँ हैं उन नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक बनाने के लिए इस धर्म समाज की स्थापना की। तो ये उद्देश्य हर एक सदस्य इस धर्म समाज के हर एक सदस्य के माध्यम से पूरा होता है, इसी मतलब से आज क्या बना कर पिता और पुत्र परमात्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा परमात्मा का साक्षात्कार आप सबके साथ हो। हमारा ये बलिदान ईश्वर को स्वीकार है, इसके लिए जरूरी है कि हम अपना मन और दिल तैयार करें, अपना मन और दिल शुद्ध करें। हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक सोच, हमारे नकारात्मक स्वभाव, हमारे नकारात्मक व्यवहार। आइए खुशियाँ यहाँ
का ये त्यौहार और आज का गिरजा, आज का प्रेयर यहीं तक समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।